मैं सचिन निरावे आपका स्वागत करता हूँ। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अभी तक हमने जो टॉपिक देखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड द रेट ऑफ चेंज, इसके बाद आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे हमें आज अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। अप्रोक्सीमेशन का जो मीनिंग होता है मीन्स टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज यहाँ पे हमारे पास है रूट ऑफ वन। रूट ऑफ वन का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है कि ये वन होता है। रूट ऑफ फोर का एग्जैक्ट वैल्यू पता है हमें ये टू होता है। रूट ऑफ नाइन का एग्जैक्ट वैल्यू पता है थ्री होता है। बट सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है कि रूट ऑफ टू या फिर रूट ऑफ थ्री, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड जो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो ये फाइंड हो सकता है क्या? तो यस, डेफिनेटली ये फाइंड हो सकता है। एंड बाय यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट टू एंड रूट थ्री। तो जैसे हमें पता है कि रूट वन इज वन एंड रूट फोर इज टू, तो रूट वन के बाद रूट टू रूट थ्री ये वन पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ये एक लॉजिकली है कि ये वन पॉइंट समथिंग होगा, बट यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालना आता नहीं है। तो ये कैसे निकालना है, आइए आज सीखते हैं हम अप्रोक्सीमेशन में, जो डेरिवेटिव का ही एक अप्लीकेशन है, जिसमें हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का। जो फॉर्मूला है कि एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ एफ मीन्स एनी फंक्शन एंड दिस एक्स इज डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द ए एंड सेकेंड इज एच। अभी ये ए प्लस एच क्या होता है वो एग्जाम्पल में हम समझते हैं। इस ये जो सिंबल है ये है एक अप्रोक्सीमेशन का सिंबल एंड इज दिस एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो भी गिवन फंक्शन है उसका फाइंड करने के लिए हमें दो पार्ट में इसके वो डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में लेना है फंक्शन ऑफ ए एंड प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27.027। तो एग्जैक्टली हमें क्यूब रूट ऑफ 27 का वैल्यू हम ले सकते हैं कि 3 है, बट रूट क्यूब रूट ऑफ 27.027 ये वैल्यू फाइंड करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आइए देखते हैं कि इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंसीडर करना होगा, लेट द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट में ये जो वैल्यू है इसको कंसीडर किया हुआ है एक्स, एंड नाउ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू। अब जब भी हम ये क्यूब रूट ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव है बट ये क्यूब रूट का डेरिवेटिव नहीं है। तो इसको जब लिखते हैं थोड़ा सा स्प्लिट करना होगा कि एक्स टू द पावर, ये जो क्यूब रूट है वो पावर में जाके हो जाता है 1/3। एंड नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो ये एक्स पावर एन का फॉर्मूला है जो होगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 एंड देयरफॉर 1/3 इंटू एक्स पावर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1-3/3 एंड इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स टू द पावर दिस -2/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स पावर दिस 2/3। ये नीचे जाके हो जाएगा 1/x^2/3। तो अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखा है कि ये एफ एक्स का एक वैल्यू है, इसे एफ डैश ऑफ एक्स हमने डिफरेंशिएट किया है तो हमें एक वैल्यू मिला है जो होता है एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 1/3 इंटू एक्स पावर 2/3। एंड नाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू जस्ट टेक दिस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है बट यहाँ पे हमने इसको बोला है ए प्लस एच। इसमें हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड नहीं करना है, एफ ऑफ ए फाइंड करना है और एफ डैश ऑफ ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे कि वेयर द वैल्यू ऑफ दिस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच एंड दिस एक्स इज रिप्लेस बाय ए प्लस एच, मीन्स जो एक्स का यहाँ पे वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं वो यहाँ पे हम पूरा फंक्शन यदि देखते हैं तो ये जो है ये एक्स का वैल्यू हमने लिया है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स जो होता है 27.027 एंड दिस डेसिमल के जो पहले पार्ट हैं ये वैल्यू लेना है हमें 27 एंड प्लस
0.027। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ये जो हम इसको स्प्लिट करते हैं तो पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि ये स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, बिकॉज ये स्क्वायर रूट होता तो 27 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, 27 ये क्यूब रूट है। सपोज ये 26 पॉइंट समथिंग होता तो हमें इसको 27 में से माइनस करके रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे लिखना होता था, बट यहाँ पे 27 पॉइंट समथिंग है इसलिए हमने जो स्प्लिट किया है वो 27 एंड प्लस द रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू हम ले सकते हैं कि हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 27 एंड वैल्यू ऑफ एच इज 0.027। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज 27 एंड सेकंड वैल्यू इज एच एंड इज इक्वल टू 0.027। तो जैसे यहाँ पे हमने दो वैल्यू ले ली है कि जिसमें फर्स्ट जो ए का वैल्यू है वो है 27 एंड एच इज 0.027। इसमें ए और एच का वैल्यू हमें जो हमने लिखा है, नाउ टू फाइंड एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए जस्ट रिप्लेस दिस एक्स बाय ए इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एक्स बाय ए इन इक्वेशन 1 एंड 2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस ए इक्वल टू 27। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेंगे तो वो हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस क्यूब रूट ऑफ ए एंड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज 27 एंड दिस क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड किया है वो है एफ ऑफ ए एंड नाउ एंड इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दिस एफ डैश ऑफ ए, यहाँ पे हम लेंगे एफ डैश ऑफ ए एंड इज इक्वल टू इसका जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है वो है 1/3 इंटू ए पावर 2/3। और यहाँ पे भी हमने x को a से रिप्लेस किया है, रिप्लेस दिस x इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे भी x को a से रिप्लेस किया, फिर a का वैल्यू पुट किया, इक्वेशन 2 में भी x को a से रिप्लेस किया एंड यहाँ पे पुट किया है, a का वैल्यू जो है 27 ये आएगा 1/3 इंटू 27 टू द पावर 2/3 एंड इज इक्वल टू 1/3 इंटू। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो 27 है ये परफेक्ट क्यूब है, 3 का क्यूब है एंड ये है 2/3, हियर 3 गेट कैंसल एंड दिस 1/3 इंटू 3² इज 9 एंड इज इक्वल टू दिस 1/27। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है 1/27। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू दैट एफ डैश ऑफ ए एंड देयरफॉर दिस एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच को हमने जो वैल्यू कंसीडर किया है वो होता है एक्स और उसका जो वैल्यू है वो है 27.027 एंड अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए का वैल्यू है 3 प्लस दिस एच, एच का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.027 एंड इनटू दिस एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू है 1/27 एंड देयरफॉर दिस एफ ऑफ 27.027 इज नथिंग बट क्यूब रूट, क्योंकि हमने ये जो भी कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ 27.027 का मीनिंग क्यूब रूट ऑफ दिस 27, क्यूब रूट ऑफ 27.027 ये मीनिंग होगा इसका एंड अप्रोक्सीमेटली दिस 3 प्लस 27 से इसको डिवाइड करेंगे ये होगा 0.01 एंड दिस अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 3.01। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है 27 जो होता है क्यूब रूट ऑफ 27, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3, बट ये
क्यूब रूट ऑफ 27 से थोड़ा सा ज़्यादा है जो है 0.027, तो इसका आंसर भी 3 से थोड़ा ज़्यादा मीन्स 3.01, ये है इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सीखा है कि इन डेसिमल सिस्टम जो भी ऐसी जो क्वेश्चन है जिसके डायरेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, एनी रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड था तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसका भी हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें करना क्या होता है वो एक बार हम रिपीट से देखते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन था इसे हमने कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स मीन्स दिस क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं इसलिए हमने एक्स को पावर लिया 1/3 एंड डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्स पावर एन इज 1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 माइनस 1 मीन्स 1/3 एक्स पावर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1-3/3 इज एक्स पावर -2/3 इज 1/3 इंटू, इसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा मीन्स एक्स पावर 2/3। तो ये जो एफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स है इसमें अभी हमें फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करने के लिए ये एक्स को कंसीडर करना होगा ए प्लस एच बेस, बिकॉज फॉर्मूले हमने लेफ्ट साइड में लिया है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहाँ पे होगा एक्स का वैल्यू ए प्लस एच एंड एक्स क्या है तो क्यूब रूट में जो वैल्यू है वो है एक्स, तो एक्स का वैल्यू है 27.027, जिसे स्प्लिट करेंगे हम जो पहली वैल्यू होगी वो परफेक्ट क्यूब रूट होनी चाहिए तो ऑलरेडी है इसलिए हमने 27 लिखा है, देन प्लस 0.027 एंड नेक्स्ट दिस वैल्यू ऑफ ए इज 27 एंड वैल्यू ऑफ एच इज 0.027 एंड नाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी हैव टू फाइंड अगेन टू वैल्यूज एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए, फॉर दैट जस्ट रिप्लेस दिस एक्स बाय ए इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये एफ ऑफ एक्स में ये एक्स रिप्लेस हुआ ए से, एफ ऑफ ए इक्वल टू दिस क्यूब रूट ऑफ ए मीन्स क्यूब रूट ऑफ ए का वैल्यू है 27, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा 3। तो हमने एफ ऑफ ए फाइंड कर लिया है, एच का वैल्यू भी हमने फाइंड किया है, अभी हमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ ए। इसके लिए हमें जो सेकंड इक्वेशन है इसमें एक्स को रिप्लेस करना होगा ए से, जो एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 1/3 इंटू ए पावर 2/3 मीन्स 1/3 इंटू ए का वैल्यू है 27 पावर 2/3, सो 1/3 इंटू 27 इज द क्यूब ऑफ 3, सो 3 क्यूब पावर 2/3, 3 गेट कैंसल एंड 1/3 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 मीन्स 1/27 एंड नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है अप्रोक्सीमेशन का जो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच जो हमने रिप्लेस किया था वो एक्स था और एक्स का जो वैल्यू है वो है 27.027, तो हमने यहाँ पे लिखा है अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 3 प्लस एच भी हमने फाइंड किया है कि 0.027 इंटू एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू है 1/27, सो 3 प्लस 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.01 एंड 3 प्लस 0.01 इज नथिंग बट 3.01। तो ये एक एग्जैक्ट मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड किया है क्यूब रूट ऑफ 27.027 का। तो जैसे ही ये हमने क्यूब रूट का एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन लिया है वैसे डिफरेंट जो टाइप्स है लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेट है बट नियर बाय वो एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप का जो फंक्शन है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेशन का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है टैन इनवर्स ऑफ 0.0999। अभी यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि टैन इनवर्स का जो वैल्यू है जो परफेक्टली 1 है टैन इनवर्स ऑफ 1 वो होता है 45 मीन्स पाई बाय 4 के लिए। जैसे यहाँ पे हमने एक वैल्यू पाई बाय 4 लिख के रखा है कि पाई बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 4 मीन्स 22/28 से 22 को यदि डिवाइड करते तो ये इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.785। बट हमें यहाँ पे जो पाई बाय 4 है वो नहीं है क्योंकि टैन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है पाई बाय 4 बट हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो टैन इनवर्स ऑफ 0.999।
तो ये डिफिकल्ट टास्क है कि ऐसी कुछ वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले से ये इजीली फाइंड हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले हमें लेना है कि लेट द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा वो कंसीडर करेंगे हम टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको हमने कंसीडर किया है एक्स, ये हमारा इक्वेशन वन है, एंड डिफरेंशिएट दिस फंक्शन with respect to x, so the derivative of fx is f dash of x is equal to derivative of tan inverse is 1 by 1 plus x square equation number 2, and now the value of x, यहाँ पे हमने tan inverse of x लिया है, तो ये जो value होगा यहाँ पे जो हम consider करेंगे ये bracket में जो value है इसे हम बोलते हैं कि a plus h is equal to this x means 0.999। यहाँ पे a प्लस एच को हमने कंसिडर किया है क्योंकि फॉर्मूले में हमें f ऑफ x नहीं है, f ऑफ a प्लस एच है, तो x का वैल्यू a प्लस एच है और ये जो a प्लस एच है इसका वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x का मीनिंग है 0.999, यानी x का वैल्यू हो गया 0.999 एंड जो हमने इसको कंसिडर किया है वो a प्लस एच। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसके जो दो पार्ट हम करते हैं इसमें से पहला पार्ट जीरो हो सकता है एंड प्लस 0.999 ये सेकंड पार्ट हो सकता है, बट क्वेश्चन में tan इनवर्स है और हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ जीरो का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकेंगे, इसका परफेक्ट वैल्यू वन है, तो हमें करना क्या है, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमें लेना है वन एंड माइनस समथिंग। अभी माइनस क्या, तो वन में से ये माइनस करके देखते हैं कि 1.000 में से 0.999 माइनस करना होता है, जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगा वो होगा हमारा सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे 10 माइनस 9 इज 1, देन अगेन 0, 0, 0, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू होगा वो होगा 0.001, जो 1 माइनस 0.001 इज एग्जैक्टली 0.999। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है जिसमें से यहाँ पे हम ले सकते हैं कि हियर a इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ h इज माइनस 0.001। तो टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू जस्ट टेक दिस x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम रिप्लेस करेंगे दिस, रिप्लेस x बाय a एंड इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 में f ऑफ x यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा a और राइट साइड में होगा tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू होगा a, और यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट करेंगे जो होता है tan इनवर्स ऑफ 1 एंड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 का एग्जैक्ट वैल्यू होगा पाई बाय 4, एंड पाई बाय 4 जो है वो हमने फाइंड किया है कि पाई बाय 4 कैसे फाइंड किया गया है, 22/7 × 4, 22/7 इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई एंड इंटू 4 मीन्स 22/28, एंड 22 को 28 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 0.785, तो इसका वैल्यू होगा 0.785। ये एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड किया एफ ऑफ ए का, एंड देन इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दिस, इक्वेशन 2 जो है इसमें एफ डैश ऑफ एक्स इज रिप्लेस बाय ए एंड इज इक्वल टू 1/1 प्लस दिस ए स्क्वायर। अभी a का जो वैल्यू है 1/1 प्लस a का वैल्यू हम लेंगे 1, सो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, एंड 1/1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 मीन्स 1/2 इज 0.5। तो यह है इसका सेकंड वैल्यू। अब देखते हैं कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन फाइंड कैसे किया जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.999 का। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा कि बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए सभी में एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना होता है अप्रोक्सीमेशन का, जो फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच, ये सिंबल है अप्रोक्सीमेशन का। ये जो सिंबल है इसको दूसरे सिंबल से भी यूज किया जाता है, जैसे दो लाइन देके इसके ऊपर और नीचे डॉट दिया तो इसे भी बोला जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो एफ ऑफ ए प्लस एच सिंबल ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, देन फॉर्मूला इज एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, एंड देयरफॉर एफ ऑफ दिस ए प्लस एच, ए प्लस एच का जो वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो होता है 0.999, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा है कि ए प्लस एच का मीनिंग एक्स है,
और एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू है 0.99 एंड अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए अभी इक्वेशन वन इम्प्लाइज एफ ऑफ ए का वैल्यू हमने फाइंड किया है जो है 0.785 देन प्लस एच का जो वैल्यू है एच का वैल्यू है माइनस 0.001 एंड इनटू एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू है 0.5 तो इसे कैलकुलेट करेंगे 0.785 दिस प्लस माइनस माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है जो है 0.001 एंड इनटू 0.5 तो 5 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 5000 देन अगेन इनटू दिस 4 जीरोस ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज ये जो मिस्टेक्स होती है ये बड़े क्वेश्चंस में नहीं होगा ये डेसिमल में यहाँ पे काफ़ी बार मिस्टेक्स हो जाते हैं और उसी में मार्क्स जाते हैं तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे डेसिमल के पहले जो 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट्स हैं तो ये यूनिट प्लेस हैं 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल देना होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 0.0005 एंड टू फाइंड द वैल्यू अब इसमें से जब ये माइनस करना है तो वो भी केयरफुली करना है कि डेसिमल एंड डेसिमल वो जो कैलकुलेट होगा कि जो होगा 0.785 देन माइनस 0.000 एंड देन 5 तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे लिखना है 0 ये कैलकुलेशन हमें सिंपल कैलकुलेशन है बट आंसर में यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं तो यहाँ पे चेक करना है दिस 10 - 5 इज़ 5 देन दिस 4, 8, 7 एंड 0 तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 0.7845 तो एग्जैक्टली tan इनवर्स ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो है π/4 मीन्स 0.785 बट ये tan इनवर्स ऑफ 1 से छोटा वैल्यू है तो इससे जो थोड़ा लेस आंसर आएगा और वो f ऑफ मीन्स tan इनवर्स ऑफ 0.999 का जो आंसर है वो है 0.7845 तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कि tan इनवर्स ऑफ 0.999 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7845 तो ये जो हमने अभी देखा है कि बाय यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे ये tan इनवर्स फंक्शन का हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है इसके पहले क्यूब रूट ऑफ समथिंग जो भी 27.027 उसका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड किया था एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है तो अभी हमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस लॉग ऑफ 1002 टू द बेस 10 जैसी लॉग ऑफ 1000 है टू द बेस 10 इसका वैल्यू हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं जैसे सपोज यहाँ पे होता लॉग ऑफ 1000 एंड टू द बेस 10 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 1000 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 10 क्यूब टू द बेस 10 एंड एक फॉर्मूला है जो होता है log m पावर n इससे 3 सामने आ सकता है एंड इनटू ये होगा log ऑफ 10 टू द बेस 10 सो 3 इनटू log ऑफ a टू द बेस a इज 1 और इसका वैल्यू होगा 1 क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू है और बेस में भी सेम वैल्यू है तो log फंक्शन में उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1 एंड 3 वन जा 3 बट ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली 1000 होगा एंड बेस में 10 होगा तो इसका ये एग्जैक्ट वैल्यू है बट यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जांपल में कि लॉग ऑफ 1002 इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू है जो है 1002 बेस में 10 है तो आंसर भी जो होगा वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए बट एग्जैक्टली हमें ये पता नहीं होता है या हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमें यूज़ करना है application of derivative का approximation so by using this formula of approximation we can find the approximate value of log of 1002 to the base 10 तो आइए देखते हैं कि इसे solve कैसे करना है इसमें given value भी दी है कि log of e to the base 10 का एक exact value होता है 0.4343 जो example में given होगा तो सबसे पहले हमें consider करना होगा let the value of this f of x is log of x to the base 10 अब ये log ऑफ x टू द बेस 10 को हम log ऑफ चेंज ऑफ बेस रूल से इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 ये है एक चेंज ऑफ बेस रूल जो log a डिवाइडेड बाय log b से हम सॉल्व करते हैं
एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 by log of 10, ये log एक सेपरेट ले लेंगे, इसको बोलेंगे 1 by log of 10 एंड दिस इनटू log ऑफ x. पहले हमने इसको स्प्लिट किया चेंज ऑफ बेस रूल से log x by log 10, देन अगेन इसको स्प्लिट किया कि 1 by log of 10 इनटू log ऑफ x. एंड नाउ वी नो दैट 1 by log 10 इज नथिंग बट log ऑफ e टू द बेस 10 एंड इनटू log ऑफ x. अब ये डायरेक्ट हम जो लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली कैसे आया वो भी हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो 1 का वैल्यू होता है log ऑफ e एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ 10. log e का एग्जैक्ट वैल्यू है 1 इनटू log ऑफ x एंड दिस अगेन अप्लाई दिस चेंज ऑफ बेस रूल. तो जैसे हमने log x टू द बेस 10 को log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 लिखा है, इसका रिवर्स भी हम लिख सकते हैं कि 2 log डिवाइडेड बाय में है तो log एक ही बार आएगा एंड x टू द बेस 10. सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि log ऑफ e एंड टू द बेस 10 इनटू log ऑफ x एंड इज इक्वल टू. तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है इसमें एक log ऑफ e टू द बेस 10 का गिवन वैल्यू हमें दिया है 0.4343. तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जो होगा 0.4343 एंड इनटू log ऑफ x. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिया है f ऑफ x. नाउ टू फाइंड द f डैश ऑफ x डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो f x का डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x एंड इज इक्वल टू, इसका जो डेरिवेटिव है के एक्स मीन्स कॉन्स्टेंट इनटू, ये फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट वैसे ही रखेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 by x. तो इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा 0.4343 एंड इनटू 1 by x मीन्स डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एक्स इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन फाइंड किए, एक एफ एक्स का वैल्यू एंड सेकेंड इज एफ डैश ऑफ एक्स. एंड नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, जहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स है तो लॉग ऑफ एक्स लिखा है, तो एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू है 1002 जो हम कंसिडर करते हैं ए प्लस एच इज इक्वल टू 1002, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें एफ ऑफ ए प्लस एच लिखा जाता है, एक्स एग्जैक्टली होना चाहिए बट एक्स को हमने ए प्लस एच से रिप्लेस किया है और इसलिए जो एक्स प्लस एच है इसका वैल्यू एक्स मीन्स वैल्यू इज 1002, क्योंकि log के बाद जो वैल्यू है वो है हमारा x का वैल्यू. अब यहाँ पे देखना है कि इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. सारे क्वेश्चंस में वही टेक्निक है कि ये a प्लस एच जो x है x को 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, जो एक होगा a और दूसरा होगा h, बट वो डिपेंड है क्वेश्चन पे कि यहाँ पे log में स्टैंडर्ड वैल्यू है 1000 का और इसलिए हम इसको जो स्प्लिट करेंगे वो स्प्लिट करेंगे 1000 प्लस 2 मीन्स 1002 एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज 1000 एंड वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे जैसे हमने रिप्लेस करते हैं एक्स बाय ए मीन्स ए का वैल्यू रखना है 1000 इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो इक्वेशन 1 है वो हम रिप्लेस करेंगे कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस लॉग ऑफ एक्स इज रिप्लेस बाय ए टू द बेस 10 एंड इज इक्वल टू दिस लॉग ऑफ ए का जो वैल्यू है वो होगा 1000 टू द बेस 10 एंड वी नो दैट लॉग ऑफ 1000 मीन्स 10 क्यूब. तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है कि लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 जो होता है लॉग ऑफ 10 क्यूब टू द बेस 10 मीन्स 3 times log 10 टू द बेस 10 इज 3 into 1 मीन्स 3. तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो होता है 3. तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए का वैल्यू फाइंड किया है. नाउ टू फाइंड एफ डैश ऑफ ए पुट और रिप्लेस दिस एक्स बाय ए, जैसे हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं एंड नाउ वी जस्ट रिप्लेस दिस एक्स बाय ए इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, एफ डैश ऑफ ए में यहाँ पे होगा 0.4343 एंड डिवाइडेड बाय दिस ए. सो 0.4343 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए इज 1000 एन इज इक्वल टू. अब जब हम ये वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 decimal हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3434, देन अगेन 3 zeros, 1, 2 and 3 0, देन decimal एंड देन 0. तो ये जब हम शिफ्ट करेंगे 3 decimal तो अपॉन होगा 1000. तो एफ डैश ऑफ ए का ये परफेक्ट वैल्यू है जिसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4. तो ये f ऑफ 1002 का जो वैल्यू हो रहा है अप्रोक्सीमेट वो है 3 प्लस
टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 0.0008686 एंड देयरफॉर दिस एफ ऑफ 1002 ए मींस लॉग ऑफ 1002 टू द बेस 10 इज अप्रोक्सीमेटली 3.0008686. तो यहाँ पे हमने फाइंड किया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस लॉग ऑफ 1002. लॉग ऑफ 1000 का एग्जैक्ट वैल्यू टू द बेस 10 का होता है 3. यहाँ पे लॉग ऑफ 1002 जो 1000 से ज़्यादा है तो आंसर भी 3 से थोड़ा लार्ज होना चाहिए, तो वो है 3.0008686. तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है अप्रोक्सीमेशन, ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें उसका वैल्यू पता नहीं है, तो बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन. तो ये हमने इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन पढ़ा है इसे आप बार बार देखिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं सचिन निनावे ईगल आई ट्यूटोरियल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.